हाकिम का फर्ज। हम सुनते आए हैं कि इंसान को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। नहीं, हमें चाहिए हवा, पानी, जो अभी तक तो मुफ्त मिल ही जाते हैं, सिर्फ जिंदा होना शर्त है, और रोटी जो कभी कभी हमें मिल नहीं पाती, न मेहनत से, न मांगे से, न झुकने से, न झांसे से, न दाम से, न दान से, न साम से, न काम से। और सुकून जिसको हम सदा तलाशते और शाज़ो नादर ही पाते हैं, न शहर में, न मुल्क में, न दुनिया में, न दीन में, न मंडी में, न घर में, न बाहर में, न अंतर में। तो यूं है हाकिम का फर्ज, यह हुकूमत की शर्त, महकूम को रोटी और सुकून फराहम करना या करवाना। और सुकून बैरूनी सलामती और अंदरूनी चैन दोनों मांगता है। तो गर हाकिम बैरूनी सलामती और अंदरूनी चैन के लिए माहौल साजगार पैदा न कर सके, तो उसे चाहिए कि आवाम को किसी चाले में लगा दे, कोई तमाशा, कोई खेल, कोई मासूम सी दीवानगी महकूम के अंतर मन में भर दे। तो रोटी और तमाशा आम तौर पर हम यही अपने हाकिम से मांगते हैं, बाकी कुछ हो के ना हो।